इनको तो मैं समझता हूँ कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिल्म को देखने के बाद मैं बहुत निराश हुआ हूँ और मुझे लगा कि मैं क्यों देखने गया फिल्म। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई पिक्चर किसी भी एंगल से। प्रेस ने काफ़ी कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कोई स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा जब तक मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। मुझे लगा कि मैं पर्दा फाड़ दूं। फिल्म को देखने के बाद मैं बहुत निराश हुआ हूँ और मुझे लगा कि मैं क्यों देखने गया फिल्म। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई पिक्चर किसी भी एंगल से। सर मुझसे ये पूछे कि क्या पसंद आया रादर देन ये पूछने के कि क्या पसंद नहीं आया। उसमें मतलब है कि सिर्फ दो चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि पसंद आई मुझे पिक्चर में। एक तो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद आया, उसका म्यूज़िक थोड़ा ठीक था। दूसरा सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी। बस ये जो दो चीज़ें अच्छी लगी, बाकी कैरेक्टराइजेशन से लेके फिल्म के जो एग्जीक्यूशन था, फिल्म के सीन्स थे, फिल्म की जो सिचुएशंस थी, सब मतलब है कि इनका कोई सर पाँव नहीं था। मैं यही कहूँगा सब। अब मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, किसको दिखाने के लिए बनाई है। आई डोंट थिंक ये इवन बच्चों से लेके ऑडियंस से लेके जो मॉडर्निज्म की बात करते हैं वो, ये कोई मॉडर्न फिल्म भी नहीं है। किस एंगल से मॉडर्न है? टैटू बनाने से पिक्चर मॉडर्न हो जाती है क्या? या वो आज की जो हेयर स्टाइल है विराट कोहली साहब करते हैं, जो यहाँ पे तीन लाइनें कर दी ऐसे, वो उससे मॉडर्न हो जाती है पिक्चर? आई डोंट नो वट 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 दे आर ट्राइंग टू से। सच ए बिग मूवी, आई हैड ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मूवी। मुझे लगा था कि ज़रूर लोग बात कर रहे हैं पर कुछ तो होगा इस मूवी में। क्योंकि क्या है कि मुझे प्रेस ने काफ़ी कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कोई स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा जब तक मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। पिक्चर देखने के बाद में मेरे को तो शर्म आई कि मैं क्या स्टेटमेंट दूँ उसको लेके। मतलब है कि चलिए मेरी बात छोड़िए, मैं तो इस प्रोफेशन से हूँ, इस कैरेक्टर में वन ऑफ द कैरेक्टर मैं निभा चुका हूँ, पर जो थिएटर में लोग बैठे हुए थे मेरे आसपास में, उनकी रिएक्शन भी बहुत ख़राब थे। दे वर वेरी अपसेट अबाउट वॉचिंग द मूवी। दे वर इनफैक्ट दो लेडीज़ बैठी थी, वो तो कह रही थी एक दूसरे से चलो उठ के चले, क्या बकवास देख रहे हैं हम। दूसरी लेडी ने उसको समझाया कि चलो कुछ नहीं, विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो ही देख लेते हैं। बाजू में बैठा हुआ एक आदमी दूसरा अपने किसी साथी से बात कर रहा था और कह रहा था कि यार ये क्या उल्टा सीधा दिखा रहे हैं रामायण के नाम पर, आप सोचिए। और जबकि उन्होंने बहुत क्लियर डिस्क्लेमर में लिखा हुआ था कि वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर होके बना रहे हैं हम ये फिल्म। एज ए कलाकार नहीं, मैं कहता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इस देश का नागरिक होने के नाते, अपने कल्चर संस्कृति के बारे में मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी संस्कृति की, उसका एक हिस्सा होने के नाते मुझे लगा कि मैं पर्दा फाड़ दूँ। मुझे लगता है कि वो हनुमान जी की सीट रखी है, सारी सीटें हनुमान जी देख के मतलब ये सर पीटते होंगे कि यार किस तरह के डायलॉग मुझसे बुलवा रहे हो ये मेरे कैरेक्टर से। हनुमान जी हमारे यहाँ पे बहुत मान्यता है उनकी, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको बहुत पूजा जाता है, कैसे वो बोल सकते हैं इस तरह की बातें? उनको सोचने से पहले जरा भी ख्याल नहीं आया कि इस तरह के डायलॉग हम हनुमान जी के कैरेक्टर के साथ बुलवा रहे हैं। या फिर मेघनाथ भी बहुत होशियार मेरे ख्याल से कैरेक्टर रहा है रामायण का, उससे कह रहे हैं अबे चल निकल ले, ये क्या बम्बई या फुटपाथी लैंग्वेज कहलवा रहे हैं आप उससे? हैं यार रावण जैसा ज्ञानी आदमी लोहा पीट रहा है, आप सोचिए लोहार है क्या वो? हैं या वो बोल रहा है कि अभी तेरी बुआ का बगीचे में घूम रहा है क्या? क्या है ये? एक बात बताइए है कि अगर एक बार मिरर टूट जाए, कपड़ा फट जाए, तो क्या वो दोबारा जुड़ता है या सिलाई वापस हो जाए, ओरिजिनल हो जाता है कि कपड़ा? कुछ भी कर लें, एक बार जो डैमेज हो गया हो गया, पर इन्होंने ये डैमेज क्यों किया, क्या सोच के किया? मॉडर्न आपने बनाना था, मॉडर्न के बहुत से और तरीके हैं, रादर देन इस तरीके से मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रही है हमारे। आप ये बताइए कि आज भी अगर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, यंगस्टर जाते हैं वहाँ पे, वो टीका लगाते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लोग हनुमान चालीसा जेब में लेके घूमते हैं। मुझे याद है मैं फ़्लाइट में था, कहीं पे कुछ यंगस्टर थे जो थोड़े मेरे ख्याल से हो सकता है शायद पहली बार या दूसरी बार फ़्लाइट में जा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जब फ़्लाइट में आप पहली दूसरी बार अगर पहली बार जा रहे हो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे फ़्लाइट के अंदर।
आप सोचिए कितनी श्रद्धा है हनुमान जी के प्रति, उसको आप इस तरह की मौखिक कर, आई डोंट नो व्हाई। इनको तो मैं समझता हूँ कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।